गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम सी एस उम्मीद करके और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जीएसटी पोर्टल पे एक सर्कुलर अपलोड हुआ है 23 मार्च 2020 की डेट में 133 नंबर का, जो कि एक क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर है सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 से रिलेटेड। तो अपनी इस वीडियो में आज हम उसी के रिगार्डिंग डिस्कस करने चाहेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका सीबीडीटी ने यहां पर आंसर दिया है, सीबीईसी ने। आइए देखते हैं, 23 मार्च 2020 की डेट का ये सर्कुलर है, ये कल अपलोड किया गया था, सर्कुलर नंबर 133। इसका सब्जेक्ट क्या है, मैंने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है। सब्जेक्ट क्या है, क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द केसेस ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन अंडर सेक्शन 18 सबसेक्शन 3। तो 18 सबसेक्शन 3 में जो बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन बताए गए हैं, उस केसेस में आईटीसी का अपोर्शनमेंट आप कैसे करेंगे, रीड विद रूल 41(1) ऑफ द सीजीएसटी रूल्स। तो आइए हम सबसे पहले लीगल प्रोविजन देखते हैं कि 18(3) क्या कहता है। 18(3) कहता है, वेयर देयर इज ए चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है, यहाँ पे जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन कौन है, जिसने रजिस्ट्रेशन ले लिया है अंडर 22 और 24। तो रजिस्टर्ड पर्सन के अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है, चेंज किस वजह से हो रहा है, ऑन अकाउंट ऑफ सेल, मर्जर, डीमर्जर, अमेलगेमेशन, लीज या ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज हो रहा है विद द स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज, यानी कि जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज भी हैं वो भी ट्रांसफर हो रही हैं। द सेट रजिस्टर्ड पर्सन, जो कि जिसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, शैल बी अलाउड टू ट्रांसफर द इनपुट टैक्स क्रेडिट विच रिमेन्स अनयूटिलाइज इन हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो उस समय जब चेंज हो रहा है तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसका जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अभी आईटीसी लेजर में बचा हुआ है वो उस क्रेडिट को ट्रांसफर कर सकता है टू सच सोल्ड, मर्ज्ड, डीमर्ज्ड, अमेलगेमेटेड, लीज्ड और ट्रांसफर्ड बिजनेस, यानी कि उस नए बिजनेस में वो अपने आईटीसी को ट्रांसफर कर सकता है इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस के जवाब रिक्वायर्ड थे, क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड थी, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि किस दिन का इनपुट टैक्स क्रेडिट देखा जाएगा ट्रांसफर करने के लिए, क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरीके से अपोर्शन किया जाएगा, उस पर वैल्यू क्या डिटरमाइन की जाएगी, किस दिन की वैल्यू ली जाएगी वो डिसाइड करेंगे हम, और क्या जो हम वैल्यू डिटरमाइन करेंगे वो सीजीएसटी एसजीएसटी सब पर डिफरेंटली अप्लाई होनी है या एक ब्लैंकेट रेट से अप्लाई की जा सकती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहां पर लिखा है रूल 41(1) क्या कहता है। तो सबसे पहले आपने सेक्शन 18 पढ़ लिया, सेक्शन 18 कहता है कि यानी यदि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ है तो जो पुराना आईटीसी है वो आप नई वाली यूनिट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। 41(1) रूल कहता है कि ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल इन द इवेंट ऑफ सेल, मर्जर, डीमर्जर, अमेलगेमेशन और चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस फॉर एनी रीजन फर्निश द डिटेल ऑफ सच सेल इन फॉर्म जीएसटी आईटीसी टू इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल अलोंग विद द रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट लाइंग इन हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो यहां पर ट्रांसफरर को एक जीएसटी आईटीसी 02 फॉर्म फाइल करना होगा जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो एक रिक्वेस्ट कर पाएगा कि मेरा क्रेडिट जो अनयूटिलाइज है उसे ट्रांसफर कर दिया जाए। यहां पर एक और बात लिखी है, provided that in the case of demerger, the input tax credit shall be apportioned in the ratio of the value of assets of the new units as specified in the demerger scheme. तो यहाँ पे ये कहता है कि जो value of the assets, new unit की value, assets की value है, उसके proportion में ITC बांटा जाएगा in the case of demerger. Demerger में क्या होता है कि आपकी entity का एक छोटा सा portion hive off कर दिया जाता है, separate कर दिया जाता है। तो जो नई यूनिट की वैल्यू ऑफ असेट्स है उसके हिसाब से आप देखेंगे नई यूनिट की वैल्यू ऑफ असेट्स के रेशियो में आपको आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये वैल्यू ऑफ असेट कैसे निकाली जाएगी इस पे भी बात करते हैं।
एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब रूल इट इज हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट वैल्यू ऑफ असेट मीन्स द वैल्यू ऑफ एंटायर असेट्स ऑफ द बिजनेस वेदर और नॉट इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड देयर ऑन, यानी कि पूरी जो एंटायर असेट्स ऑफ बिजनेस है उसके बारे में हमारे को यहाँ पे देखना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इट इज नॉट क्लियर एज टू वेदर द वैल्यू ऑफ द असेट ऑफ द न्यू यूनिट इज टू बी कंसिडर्ड एट स्टेट लेवल और एट ऑल इंडिया लेवल। तो यहां पर ये देखना होगा जो नई यूनिट बन रही है उसकी जो वैल्यू ऑफ असेट हम लेंगे वो स्टेट लेवल पे देखेंगे या फिर ऑल इंडिया लेवल पे देखेंगे। तो यहां पर क्लियर किया गया है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट ए पर्सन और ए कंपनी हैविंग द सेम पैन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन डिफरेंट स्टेट्स एंड ईच सच रजिस्ट्रेशन इज कंसिडर्ड ए डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। यानी कि आप यहां पर जीएसटी के जो प्रोविजन हैं वो कहते हैं कि एक पैन नंबर वाले इंसान को हर स्टेट में एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है और उसे एक डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है। अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ द असेट्स ऑफ द न्यू यूनिट्स इज टू बी टेकन एट द स्टेट लेवल एट द लेवल ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन एंड नॉट एट द ऑल इंडिया लेवल। तो यहां पर क्लियर हो गया कि स्टेट वाइज इसकी कंपटीशन होगी। यहां एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया इन्होंने, एक कंपनी एक्स वाई जेड इज रजिस्टर्ड इन टू स्टेट्स ऑफ एमपी एंड यूपी, इट्स टोटल वैल्यू ऑफ असेट is 100 crore while its asset in the MP are 60 crore and UP are 40 crore, it demerges a part of its business to company ABC। तो 100 crore की asset में से MP में उसकी 60 crore की है और UP में 40 crore की है। तो हम इसे एक Excel sheet से समझ लेते हैं। तो यहां पर वो एग्जांपल मैंने नोट डाउन किया एक्सेल शीट में कि एक्स वाई जेड है उसकी एमपी में 60 करोड़ की एसेट्स हैं और यूपी में 40 करोड़ की एसेट्स हैं, जिसमें से उसने डिमर्ज कर दी हैं एबीसी को एमपी में 30 करोड़ की और यूपी में 10 करोड़ की एसेट्स अपनी। तो अब रेशियो क्या लिया जाएगा आईटीसी के लिए? तो यहां पर इन्होंने बताया कि जो वैल्यू है असेट्स की वो स्टेट वाइज निकाली जाएगी, यानी कि जो रेशियो है वो भी स्टेट वाइज निकाला जाएगा और स्टेट को एक सेपरेट एंटिटी माना जाएगा। यानी कि यहां पर एमपी में जब भी असेट ट्रांसफर होगी तो उसका रेशियो 30/60 यानी कि 0.05 रहेगा और यूपी में जब आईटीसी ट्रांसफर होगी तो उसका रेशियो 25% का रहेगा। यानी कि हर स्टेट वाइज आपको ये कंपटीशन करनी होगी। वही इस एग्जांपल में बताया है कि यहां पर एक 25% का रेशियो लगाया जाएगा और अगर एमपी की बात है तो उसमें 0.04 का रेशियो 0.05 का 30/60 का रेशियो लगाया जाएगा। तो उम्मीद है ये क्लियर होगा। Is the transferor required to file form GST ITC 2 in all the state where it is registered? तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि अब MP से यहाँ पर ABC को 30 करोड़ की asset दी गई हैं, UP से 10 करोड़ की asset दी गई हैं, तो क्या जो GST ITC 02 form है demerger की जो डिटेल्स प्रोवाइड करेगा आईटीसी टू बी ट्रांसफर्ड की वो हर स्टेट में फाइल करना है क्या? तो इसका आंसर इन्होंने क्या दिया है कि नो द ट्रांसफरर इज रिक्वायर्ड टू फाइल द फॉर्म जीएसटी आईटीसी टू इन ओनली इन दोज स्टेट्स वेयर बोथ द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी आर रजिस्टर्ड। तो आपको सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में ये फाइल करना है जहां पर ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी बोथ आर रजिस्टर्ड, यानी कि जहां पर भी उनका बिजनेस चल रहा है। तो यहां पर आप ध्यान देखेंगे, ऐसा नहीं है कि सिंगल स्टेट में फाइल करना है, आपको मल्टीपल स्टेट्स में फाइल करना है, लेकिन यहां पे क्या लिखा है हुआ है द ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म जीएसटी आईटीसी ओनली इन दोज स्टेट्स। तो यहां पे आप देखेंगे स्टेट्स वर्ड्स का यूज किया गया है, यानी कि मल्टीपल स्टेट्स में आपको फाइल करना है जहां पर भी दोनों रजिस्टर्ड हैं। द प्रोवाइजो टू रूल 41 ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन क्या था कि जो 41 का रूल प्रोवाइजो है वो वर्ड यूज करता है डीमर्जर। तो क्या बाकी तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशंस रीऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर पार्ट को हाइव ऑफ कर दिया जाता है क्या उस पर वो प्रोवाइजो नहीं लगेगा, क्या पार्शियल ट्रांसफर नहीं होगा उसमें? तो यहाँ पर इन्होंने बोला है नहीं, यस द
The formula for apportionment of the ITC as prescribed under proviso to subrule 1 of the rule 41 of the CGST rule shall be applicable for all forms of business reorganization that results in a partial transfer of business assets along with the liabilities. यानी कि अगर कोई किसी भी तरीके का कोई reorganization होता है जिसमें आपकी assets partially transfer होती हैं, तो जो proviso है rule 41 का demerger वाला, वो सभी reorganization के cases में लग जाएगा. यहां पर इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है, whether the ratio of value of asset as prescribed under proviso shall be applied in respect of each of the heads of the input tax credit CGST, SGST, IGST. क्या हमारे को जो वो फॉर्मूला आया है, रेशियो आया है, वो हर हेड पे सेपरेटली लगाना है? तो इन्होंने यहां पर बोल दिया है कि हमारे को वो जो फॉर्मूला है, हमारे को हर हेड पे सेपरेटली नहीं लगाना है, एक कंसोलिडेटेड अमाउंट पे लगाना है. जैसे आईटीसी बैलेंस ऑफ ट्रांसफरर एक्स इन महाराष्ट्र अंडर सीजीएसटी एसजीएसटी हेड्स आर 5 लाख 5 लाख एंड 10 लाख. तो टोटल आईटीसी कितना है? 20 लाख का आईटीसी है और हमारा जो रेशियो आता है वो 60% आता है. तो हमें क्या करना है, 20 लाख पे सीधे 60% लगा लेना है और हमें अब 12 लाख रुपए का आईटीसी ट्रांसफर करना है. तो अब बात आती है कि ये 12 लाख का जो आईटीसी ट्रांसफर करना है, ये किस रेशियो में करना है? मतलब सीजीएसटी कितना ट्रांसफर किया जाएगा, एसजीएसटी कितना ट्रांसफर किया जाएगा नई वाली यूनिट में, तो वो कैसे डिटरमाइंड करें? क्योंकि इन्होंने तो बोल दिया कंसोलिडेटेड अमाउंट पे फॉर्मूला लगाइए और 12 लाख रुपए आ गया, तो अब आपको 12 लाख का क्रेडिट जो है ट्रांसफर करना है, तो वो किस किस रेशियो में आपको ट्रांसफर करना है? तो यहां पे इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, द ट्रांसफरर शैल बी एट द लिबर्टी टू डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड अंडर ईच टैक्स हेड विद इन दिस टोटल अमाउंट. तो यानी कि जो भी टोटल अमाउंट आएगी, आपकी लिबर्टी है, आप जो भी अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं. तो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिया है. लाइक आप यहां पर देखेंगे 50 लाख का मेरा आईटीसी है, 70% का रेशियो आया है, तो यानी कि 35 लाख रुपए मुझे ट्रांसफर करने हैं. तो मैं ऐसा नहीं कर रहा कि 10 लाख का पहले 70% ट्रांसफर कर रहा हूँ फिर इस 10 लाख का 70%. मेरी मर्जी है, मैं पहले के ये पूरा 10 लाख ट्रांसफर कर दिया, ये पूरा 10 लाख ट्रांसफर कर दिया और आईजीएसटी को बचा लिया. सिमिलरली हरियाणा में अगर 40% है, तो मैं अपनी मर्जी से मैं सीजीएसटी में 3 लाख देना चाहता हूँ, एसजीएसटी में 5 लाख ट्रांसफर करना चाहता हूँ, आईजीएसटी में पूरा 20 लाख ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ये मेरी लिबर्टी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउएवर इट इज नॉट क्लियर एज टू विच डेट शैल बी रेलिवेंट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी बैलेंस ऑफ ट्रांसफर. तो यहां पर यह बोलता है कि अनयूटिलाइज्ड आईटीसी जो ट्रांसफर करना है वो किस दिन का लिया जाएगा. तो इन्होंने बताया है कि एक कॉन्जॉइंट रीडिंग ऑफ सबसेक्शन 3 एंड रिलेटेड रूल 41 दैट द अपोर्शनमेंट फॉर्मूला शैल बी अप्लाइड ऑन द आईटीसी बैलेंस ऑफ द ट्रांसफरर एज अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटी आईटीसी 02. यानी कि जब भी आप जीएसटी आईटीसी 02 फॉर्म भरेंगे, उस दिन का आपको अनयूटिलाइज्ड बैलेंस देखना है ट्रांसफर करने के लिए. Which date shall be relevant to calculate the ratio of value of asset as prescribed in the proviso to rule 41 of the CGST rules? तो यहाँ पर rule 41 में जो value of asset निकालनी है, वो तो हमने देख लिया कि स्टेट वाइज लेवल पे निकालनी है, लेकिन ये कहते हैं कि किस दिन की वैल्यू हमारे को लेनी है. तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट का रेफरेंस लिया गया है, द स्कीम अंडर दिस सेक्शन शैल क्लियरली इंडिकेट एन अपॉइंटेड डेट. तो यानी कि जब डीमर्जर की स्कीम तैयार होती है, तो वहां पर उस स्कीम में एक अपॉइंटेड डेट का होना बहुत जरूरी है, फ्रॉम विच इट शैल बी इफेक्टेड, जिससे वो डीमर्जर की स्कीम इफेक्टेड होगी. तो हेंस इन्होंने डिसाइड किया है, द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ असेट शुड बी टेकन एज ऑन द अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्जर. तो इन्होंने फाइनली इन दोनों पॉइंट्स को समराइज किया है कि इन अदर वर्ड्स द पर्पस ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी अंडर सब रूल 1 ऑफ द रूल 41 व्हाइल द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ असेट शुड बी टेकन एज ऑन द अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्जर. मतलब वैल्यू कब की ली जाएगी, अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्जर की. द सेट रेशियो इज टू बी अप्लाइड ऑन द आईटीसी बैलेंस एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म जीएसटी आईटीसी 02. मतलब आईटीसी का बैलेंस लिया जाएगा जब हम फॉर्म फाइल कर रहे हैं, और वैल्यूज ली जाएंगी असेट की अपॉइंटेड डेट वाली, जो कि कंपनीज एक्ट में स्कीम की अपॉइंटेड डेट है. एंड डिफिकल्टी इफ एनी any in implementation of the circular may be brought to the notice of the board.
तो फाइनली उम्मीद करता हूँ ये सर्कुलर आपको समझ में आया होगा और 18(3) की इम्प्लीकेशंस को आप समझ पाए होंगे कि किस डेट के हमारे को पर्टिकुलरली चीज़ देखनी है और कैसे कैसे उसकी कैलकुलेशन को करनी है। थैंक यू सो मच।